जेवर से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में हरियाणा के विधायक रहे ललित नागर ने आज गांवों में जनसंपर्क किया और वोट मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज चौधरी का समर्थन करें। मैं आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गण, युवा साथी और फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा से चलकर आए बहुत ही आदरणीय सम्मानित भाई ललित नागर जी, जो पूरे आसपास के इलाकों में बड़े लाडले हैं और तिगांव के बहुत प्यारे विधायक हैं, वो आज हमारे बीच में, हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार तहे दिल से स्वागत करते हैं। आने वाली 10 तारीख को हमें ये तय करना है कि आने वाले जो 5 साल हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए कैसे होंगे, जो पिछले 5 साल वो कैसे गुजरे हैं। यहाँ के विधायक भाजपा के, जेवर विधानसभा के जो विधायक है वो भाजपा के विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की, लेकिन अगर विकास की बात करो तो सारे गांवों की सड़कें टूटी हुई हैं। अगर युवाओं की बात करो तो उनको यह कहकर नौकरी नहीं मिलती कि 200 किलोमीटर दूर का आधार कार्ड ले आओ आपको नौकरी मिल जाएंगी। मेरा इस सलेमपुर गांव में इस पंचायत के माध्यम से यहां के विधायक से पूछना चाहता हूं कि जब जमीनें हमारी गई, अधिग्रहण हमारी जमीनों का हुआ, जमीन के ऊपर हमारे पर उद्योग लगाए गए, तो नौकरियां 200 किलोमीटर दूर वालों को कैसे आप दिलवा रहे हैं? आप कैसे पूछ रहे हैं युवाओं से कि 200 किलोमीटर दूर का आधार कार्ड लेकर आओ तो आपको नौकरी मिलेगी? मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आपके बीच में जब भी विधायक वोट मांगना है यहां के, तो उनसे आपको सिर्फ यही कहना है कि हमारे पास तो सलेमपुर गांव का आधार कार्ड है और आप जिन 200 किलोमीटर दूर वालों को आपने नौकरी दी थी उनसे जाकर वोट मांगो या 200 किलोमीटर दूर जाकर आप चुनाव लड़ो, यहां पर सिर्फ उनको वोट मिलेगा। उनको वोट मिलेगा जो भट्टा पार्सल में आदरणीय राहुल गांधी जी आपके बीच में आकर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, यहाँ उनको वोट मिलेगा जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 4 गुने मुआवजे का बिल बनवाया, कानून पास कराया, यहाँ उनको वोट मिलेगा जो अमरपुर में डंपिंग ग्राउंड की जिन्होंने लड़ाई लड़ी, या उनको वोट मिलेगा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की बात करते बांटने का काम नहीं करते। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, एक आपके बीच में बाहरी प्रत्याशी हैं फरीदाबाद से, वो शख्स से आपको याद रखना है, पानी लाओ जो हमारे क्षेत्र की शान रहे और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, मैं कहूंगा पूरे विश्व में जिनका नाम जाना जाता है, बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है, स्वर्गीय राजेश पायलट जी, ये वही शख्स है जब तीन को जरूर हमेशा इन्होंने उनका विरोध किया और दौसा में उनके खिलाफ जाकर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। आज आदरणीय सचिन पायलट जी जो हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और पूरे समाज के लिए सम्मानित व्यक्ति हैं सचिन पायलट जी, उनके खिलाफ भी बोलने का काम अगर कोई करता है तो यही करते हैं जो आज आपके बीच में लोकदल के प्रत्याशी हैं। सपोर्ट करना है जो कांग्रेस पार्टी ने 4 गुना मुआवजा किसानों की बात की थी, कांग्रेस पार्टी के मैं आपके प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच में आदरणीय ललित नागर जी बैठे हुए, सारी पंचायत बैठी हुई है, मैं आपसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा करके जा रहा हूँ जो स्थानीय कंपनियां हैं सबसे पहले उनमें रोजगार दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आपके भाई वादा करके जा रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का 4 गुना मुआवजा दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि धनकौर ब्लॉक को खत्म कराने का काम भाजपा सरकार ने किया, यहाँ के विधायक ने किया, उसको वापस दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विनती करता हूँ कि आने वाली 10 फरवरी को हाथ के पंजे के निशान पर बटन दबाकर हमारे भाई ललित नागर जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सचिन पायलट जी के हाथों का मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय विधायक जो फरीदाबाद से आए, आदरणीय ललित नागर जी, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा अपना आशीर्वाद वो हमें देंगे। ललित नागर जिंदाबाद, ललित नागर जिंदाबाद।
लोगों, नौजवान साथियों और हमारे बहुत ही मेहनती, संघर्षशील और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के पसंद के यहाँ से उम्मीदवार भाई हमारे मनोज चौधरी जी और सभी मेरे नौजवान साथी, आज मैं भी एक ऐसे शख्सियत के लिए, एक ऐसे मेहनती ईमानदार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज चौधरी के लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूँ, जिन्होंने हमेशा आपके क्षेत्र की आवाज़ उठाई है, जिन्होंने हमेशा युवाओं की आवाज़ बनकर आगे काम करने का काम किया है, जिन्होंने हमेशा ना दिन देखा ना रात देखा, हमेशा अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, चाहे वो जिला अध्यक्ष के रूप में रहे हों, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में रहे हों या आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रहे हों। साथियों, आज मैं निवेदन करता हूं आपसे कि मनोज आपका बेटा है, मनोज आपका भाई है, मनोज संघर्षशील है, मनोज रात दिन आपके बीच में रहता है, ऐसे साथी को आप वोट दीजिए। ये वो साथी है मनोज, चाहे ये जीतेगा या ये हारेगा, आपकी बात जैसे पहले उठाया करता था ऐसे ही आपकी बात को हमेशा। दोस्तों, ये ऐसा सेवक है आपको जो हमेशा आपके बीच में रहकर आपकी बात को लेकर दिल्ली से और लखनऊ तक आपकी बात को उठाने का काम करेंगे, आपके बीच में रहकर बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, आपके बीच में रहकर नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे। तो साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो आपका बेटा है, जो आपका भाई है, जो हमेशा 10 साल से आपकी सेवा करने का काम कर रहा है। अरे दोस्तों, हमने मनोज चौधरी को रात के 12 बजे भी आपके बीच में देखा है, रात के 2 बजे भी आपके बीच में देखा है। अब रहे दूसरे विधायक साथियों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या कोई और आकर यहाँ से बाहरी चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपके बीच में नहीं नजर आने वाले। अगर कोई आपके बीच में रहेगा तो वो केवल और केवल मनोज चौधरी रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भाई मनोज चौधरी को कामयाब करें। मनोज चौधरी की कामयाबी में आप सबकी कामयाबी है, जेवर क्षेत्र की कामयाबी है, उत्तर प्रदेश की कामयाबी है। कई भी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्राप्त करूँ।